स्वागत है तुहाडा पंजाबी चैनल ते एक बार फिर तो। मोटरसाइकिल रेड यूनियन दे मैंबरां वल्लों अज फाजिलका दे डिप्टी कमिश्नर दफ्तर दे सामने नारेबाजी करके रोस प्रदर्शन किया गया। इस मौके यूनियन दे आगुआं अते मैंबरां ने आरोप लगांदे होए कहा कि छोटा हाथी वाले उन्हां नूं अखौती रूप नाल परेशान कर रहे ने अते दूजे पासे पुलिस वल्लों भी समय समय ते नाके लगा के उन्हां दे चलान कट्टे जा रहे ने। उन्हां कहा कि ओह तां सिर्फ बाजार चों छोटा मोटा समान ढोण दा काम ही करदे ने। उन्हां कहा कि उन्हां दी इन्नी समर्था नहीं कि वह कोई वड्डा व्हीकल लै सकन। उन्होंने यह भी कहा कि इन रेहड़िया अगे जो मोटरसाइकिल लगे हैं उन्होंने नंबर लगे हुए ने अते उन्हां कोल उन्हां दे कागज़ भी ने। उन्हां प्रशासन तो मंग करदिया कहा कि उन्हां नूं बाजार च उक्त रेहड़ियां चलाउण दित्तियां जाण तां कि वह अपना अते अपने परिवार का पेट पालने कर सकन। राजू जी की कहना चाहते हो तुहाडे किस तरह दे यूनियन है और की तुसी सर जी साडी यूनियन है रेड़ी यूनियन मोरसंग रेड़ी यूनियन लोडिंग असी कोई दो कट्टे सीमेंट दे जांदा है जां कोई भी रोजगार करदे हां असी सीमेंट दे जांदे हां जो कोई एसी छड्ड के आंदा है ये हाथी वाले सानूं तंग करदे है साडे कोल कम 100 दा गेड़ा आ गया कोई 50 दा आ गया कोई 30 दा आ गया क्योंकि छोटे हाथी वाले को 2 क्विंटल दा बजरी छड्डनी नहीं जां कोई बजरी नहीं छड्डन जांदा कोई सीमेंट नहीं असी इस करके कहने हां भी साडा हल कीता जावे असी बहुत ज़्यादा सानू परेशान कर रखे हाथी वाले ने साढ़े को रुजगार होर कोई भी नहीं गा साढ़े को रुजगार है साढ़े को रेहड़ियाँ है आप दियाँ ठीक है असी को लोन लैके बनाई हैं कुछ किस्तों से बनाई हैं असी रेहड़ी ना चलने वाले है मुंडे सारे जने क्योंकि साढ़े को रुजगार है नहीं असी ये जो रेहड़ियाँ बनाई हुई हैं ये मोटरसाइकिल जो अगे लगाए इन्हें सारे कापियां वगैरह बनिया बिल्कुल जी ने कापियां है सारा कुछ है सर जी इन्हों के साढ़े को कागज भी है कापियां भी है मेन साढ़े को रुजगार इन्ना कोई है नहीं सिर्फ 200-300 रुपये कमा के जाने हाथियों ने सू बहुत परेशान करते हैं और साढ़े को रुजगार है जो सू रुजगार दिता जाए या होर काम किया जाए सारियों दकोता का मैंबर बोलता हाँ कि रेहड़ी वाले इन्हें कोई ज्यादा रेहड़ी चाहते इन्होंने तो रोटी रोटी चाहिए है 30 रुपये बनते वो चलान से चले जाते हैं 30 रुपये च बनते हाथी वाले ले जाते हैं बराबर का हक मिलना चाहिए इन्होंने मेरी इन्नी ख्वाहिश है। मेरा नाम दीपक है जी। दीपक जी की कहोगे किस तरह का तुहाडे वल्लों अज्ज मैं कहना चाहना भी अपनी जी रेहड़ी यूनियन ये चलती रहे क्योंकि साढ़े कोई रोजगार तो है नहीं असी बच्चे पालने हैं असी किसी को 100 रुपया लेना है किसी को 50 रुपये केड़ा लेना है किसी को 30 रुपये केड़ा लेना क्योंकि इन्होंने आप तो कम करना नहीं होंगे ये आप तो खड़ो जाते ये कहें साढ़े 7 लाख की गड्डी है जी कि कहें 5 लाख की गड्डी है जी तो इन्होंने हाथ नहीं लाना क्योंकि असी आप करना होंगे मेहनत आप करनी है असी आप लाना है असी आप ही लाना है तो आप ही उतारना है भावें 4 क्विंटल वजन हो भावें 5 क्विंटल वजन होना ने हाथ नहीं लाना असी कहने भी साडा यूनियन चलती रहे तो सानू रुजगार मिलया रहे असी होर कोई मंग नहीं करते सरकार को भी सानू भावें 50 का गेड़ा मिल जाए असी तां भी ला लाँगे इन्होंने 50 का गेड़ा नहीं लाना इन्होंने जोड़ा लोकल गेड़ा लाना है वह भी 300 रुपये तो घट नहीं लाना असी कहने भी सानू 50 रुपये कर करके साडा मान लो बूंद बूंद नाल साडा घड़ा भरिया रहे तो बहुत वधिया क्योंकि असं बच्चे पालने हैं साढ़े कोई रुजगार नहीं है भी असी छोटा हाथी ले लिए या कोई टैंपू ले लिए या कुछ भी ले लिए साढ़े को इन्नी गुंजाइश है नहीं असी कहने भी साडा आई काम चलता रहे भावें सानू 100 का गेड़ा मिल जाए भावें 50 का मिल जाए बस मेरी इही मंग है सरकार को असं कहने साड़ी ट्राली चलनी चाहिए है ज़्यादा सानू रोज़गार दे दो अभी ट्राली बंद कर देंगे सानू 15,000 रुपये का महीने रोज़गार होना चाहिए असं बच्चे ही पालने असं जो ट्राले बंद करते अभी भुखे मरने दिहाड़ी सानू मिलती नहीं इसलिए सानू रोज़गार देवे ज़्यादा सारे ट्राले चलन कितनी देर तो तुम ये काम कर रहे हो सामने अभी हो गया 2-3 महीने हो गए की प्रॉब्लम की आ रही है समस्या की आ रही है छोटे हाथी तंग करते हैं इसलिए सानू बहुत दिक्कत आई जानी सानू पुलिस वाले रोकते हैं जी इन्ने चलान कट देने जिन्हें सानू कमाई नहीं है ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ 200-300 ਰੁਪਏ ਬੰਦੇ ਦੇਣੇ ਜਿਹਨੇ ਜੇ ਤੇਲ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਕੰਡਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਕੰਡਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੋਸਤੇ ਨੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਚੱਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ।